Hi everyone and welcome to my April vlog. So today is 1st April and actually April Fool Day है आज. तो आज मैं आप लोग देख पा रहे हो कि मैं एक नई जगह पे आई हूँ. तो ये मेरी बॉयफ्रेंड की घर है. तो कुछ नई कुछ रूम हो रही है यहाँ पे. तो मैं आज आई हूँ इसके लिए कि कहाँ कहाँ पे डिज़ाइन क्या क्या करनी है. तो उसके लिए सो मैं आपको बाद में वो सब दिखाऊंगी, तो डिज़ाइन वगैरह जो भी है. तो सबसे पहले ये मेरी फेवरेट प्लेस है जो यहाँ पे मैं बैठ के आपके साथ कुछ बातें कर पाऊंगी या मेकअप लुक. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस मेरी बॉयफ्रेंड की जहाँ पे घर है, क्योंकि वहाँ बहुत ही मतलब यहाँ से रास्ता जो है रोड है वो बहुत ही दूर है. तो उतना ज़्यादा क्राउड की साउंड या कुछ भी नहीं है. यहाँ पे बहुत अच्छी से हवा चलती है. सो इट्स सो ब्यूटिफुल प्लेस गाइस. तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, मे बी आफ्टर शादी, आफ्टर वेडिंग, आफ्टर माई वेडिंग. तो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी बहुत काम है. सो फॉर नाउ बाय. हाय गाइस, सो टुडे इज 9th अप्रैल एंड आज मैंने एक ग्लैम लुक क्रिएट किया हूँ. पता नहीं इसका नाम क्या दूँ, बट इट्स माय वन एंड ओनली पर्सनल फेवरेट लुक. मैं जब भी कोई एथनिक लुक देती हूँ कुछ जीन्स टॉप के साथ, तो मैं इस लुक को क्रिएट करती हूँ. एंड इट्स माय इट्स रियली अ ब्यूटीफुल आई लुक. यू कैन सी गाइस, मैंने आई पे जो आज मैंने जो आई मेकअप किया है बहुत ही प्रिटी है. एंड इस लुक बहुत ही इजी है. अगर आप लोगों ने अभी तक ये लुक देखा नहीं है मेरे चैनल पे, तो मैंने नीचे लिंक दिया हूँ एंड ऊपर भी लिंक है, तो आप लोग देख लेना. एंड यू कैन सी द हाइलाइटर गाइस, इट्स सच अ गॉर्जियस हाइलाइटर. आई जस्ट लव दिस हाइलाइटर. मैं इसका शेड बहुत ही प्रिटी है. एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हेयर कलर है उसको मैं चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत दिन तक एक ही कलर लेके मैं बैठी हूँ. एंड थोड़ा लुक भी डिफरेंट करनी है. एंड मैं तो पार्लर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पार्लर में कोई भी काम करूँगी तो इतना प्राइस लेते हैं वो लोग. उस प्राइस में ही मैं बहुत कुछ खरीद सकती हूँ इस हेयर के लिए. सो मैं क्यों स्पेंड करूँगी वहाँ पे. एंड पार्लर में ना कुछ ट्रस्टेड नहीं होते वो लोग, तो पता नहीं मेरी जो हेयर है एंड स्किन है उसके लिए मैं किसी को हाथ देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है. एंड आई एम अ सेंसिटिव पर्सन. सो मैं सोच रही हूँ कि इस महीने में कुछ स्किन केयर की मैं वीडियो दूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि स्किन केयर के लिए. एंड सब लोग कहते कि आपके स्किन इतने ग्लोइंग कैसे होते हैं, कैसे आपके क्लियर स्किन है. सो गाइस, मेरे जो बैटरी था वो ख़त्म हो गए हैं कैमरे पे. हाँ, तो मैं कह रही थी कि स्किन के लिए कि मेरा स्किन क्लियर नहीं है. कभी कभी टाइम कुछ टाइम क्लियर रहते हैं, लेकिन नॉट ऑल टाइम, बिकॉज आई हैव अ गॉड गिफ्टेड सेंसिटिव स्किन. इसलिए मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले बहुत बार सोचती हूँ एंड उसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्किन पे भी अप्लाई करती हूँ. तो ठीक है, मैं इसके लिए एक बड़ी सी एक वीडियो अपलोड करूँगी स्किन के बारे में. सो आई गेस मैं इस मंथ पे ट्राई करूँगी करने के लिए. सो ठीक है, सो फॉर नाउ मुझे अभी क्लीन भी करनी है. सो Hi guys, so today is 13 April and आज आप लोग देख पा रहे हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ. एंड दिस इज़ माई हेयर स्टाइल एंड आउटफिट. मैंने आज एक साड़ी पहनी हूँ, एक ग्रीन हैंडलूम साड़ी विथ दिस gorgeous ज्वेलरी यू कैन सी. एंड मैंने वो आई मेकअप लुक आज किया हूँ जो मैंने मेरी ग्लैम लुक के लिए बनाई थी. एंड ये लुक मेरी बहुत ही फेवरेट है. एंड आज सिर्फ मैंने आई लैशेज नहीं पहनी हूँ, आज बहुत जल्दी में मैंने तैयार हो चुकी हूँ. एंड मेरी आईज़ थोड़ी सी पिछले दिन से उतना ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, तो चलेगा क्योंकि जल्दी में हूँ. और मैंने आज ये बैंगल्स भी पहनी हूँ. एंड आई लव दिस हेयर स्टाइल गाइस, इट्स टोटली डिफरेंट गाइस. एंड मैंने बहुत दिन बाद एक बड़ी बिंदी पहनी हूँ. एंड आज मैं जा रही हूँ एक
अन्नपूर्णा पूजा है एक घर पे, तो वहाँ पे बहुत धूमधाम करके होती है. सो आई एम टू लेट गाइस, सो आई हैव टू गो नाउ. सो फॉर नाउ बाय. So guys, I'm back home now and look at my room and my mess. So I have to clean this all. And so तो बहुत कुछ खाया है. तो खिचड़ी होती है जो भोग कहते हैं, उसके बाद आलू का आलू दम एंड पुलाव एंड पुलाव एंड और क्या था, पनीर था एंड चटनी एंड खीर एंड दैट्स ऑल. एंड उसके बाद ये भी दिया था, ये एक पान, तो मैं खाने की टाइम नहीं मुझे मिली थी. तो इतना बात करते करते सब लोगों के साथ, तो मैं इसको खाने के टाइम मुझे नहीं मिला. सो अभी मैं इसको खाऊंगी एंड मेरे पेट तो फट जाएगी, ऐसे लग रही है. बहुत खा लिया है आज, भूख भी लगी थी इसके बाद. सो दिस इज द पान, तो बंगाली की होती है. तो दिस इज़ नॉट अ बनारसी पान विच इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, बट दिस इज़ अ पान. पता नहीं इसके अंदर क्या है, खाने के बाद पता चलेगा. नॉट बैड, आई नो इट्स लुक फनी, आई नो. आई लव द नेकलेस गाइस, इट्स अ प्रीटी ना, बहुत अच्छी है. एंड जो साड़ी है इसकी, जो आंचल है उसका मैरून है. एंड साड़ी मेरी मम्मी की है बाय द वे, और साड़ी का डिज़ाइन भी बहुत ही पसंद है मुझे. ठीक है गाइस, फॉर नाउ बाय. हाय गाइस, टुडे इज 14 अप्रैल एंड आई एम सो मच टायर्ड गाइस, क्योंकि मैंने आज 3 वीडियो बनाई हूँ एंड तीनों ही हेयर को लेके है, क्योंकि मुझे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलती है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने हेयर को ही लेके, एक मैंने फर्स्ट आज बनाई हूँ हेयर कलर, देन हेयर स्ट्रेटनिंग, देन हेयर कटिंग, तो तीनों ही आज हो गई है. तो अभी एडिट करना बाकी है. एंड टुडे आई क्रिएट दिस आई मेकअप लुक, आई होप यू कैन सी. या सो आई जस्ट, दिस इज़ सो फंकी लुक एंड बहुत ही ब्यूटिफुल लुक है. पता नहीं, मेरी मूड आज बहुत ही अच्छी थी, सो दैट्स वाई मैं आई मेकअप भी किए थी. तो इसको मैंने अपलोड नहीं किया है, तो इफ़ यू गाइस वांट दिस मेकअप लुक देन आई विल रिक्रिएट दिस लुक फॉर यू. एंड ठीक है, तो फिर मैं अभी कॉटन पैड को लेके बैठी हूँ मेरी मेकअप रिमूव करने के लिए. सो कल भी वीडियो मैं बनाऊँगी. इस महीने में मुझे बहुत सारे वीडियो बनानी है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ आइडिया घूम रही है. तो इस महीने में बहुत ही बिजी रहूँगी. मैं सिर्फ ड्रेस चेंज किया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं किया. आई एम सो हंग्री गाइस. एंड कल है न्यू ईयर, आई मीन बंगाली न्यू ईयर. सो कल तो प्लान अभी तक नहीं हुई है, बट फैमिली के साथ ही कुछ प्लान बनाऊंगी. सो ठीक है गाइस, अभी मैं मेकअप रिमूव करूंगी. सो अभी टाइम हुई है 9:30. सो नाउ, सो फॉर नाउ गुड नाइट. शुभ नववर्ष टू एवरीवन. सो आज है बंगाली न्यू ईयर्स एंड हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे,
तो एज यूजुअल बंगाली न्यू ईयर है तो दैट्स व्हाई हम लोग कुछ बंगाली खाना खाएंगे, तो वही प्लान हुई है। सो आई फिंगर क्रॉस के रेस्टोरेंट पे भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अगर भीड़ होगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, तो दूसरे रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन बहुत ही क्राउड होती है बाहर। बहुत गर्मी भी है आज, एंड मैं अभी कुछ देर पहले फेसबुक पे मैं लाइव हुई थी, तो मैंने एज एक मेकअप लुक क्रिएट किया हो, तो आज इतना गर्मी है दैट से मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने हल्की सी स्मोकी आइज किया हूँ, एंड उसके साथ मैंने एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस साड़ी भी मैं पहनी हूँ। दिस इज़ सो गॉर्जियस गाइस, आई लव दिस साड़ी, इट्स सो कंफर्टेबल गाइस, बहुत ही कंफर्टेबल है ये साड़ी। एंड इसका जो डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे, स्ट्रक्चर बहुत ही, इसका डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है। एंड एक नेकलेस भी मैं कुंजो साज से ली थी, एंड उसके साथ क्या इयर रिंग पहनूँ, तो मुझे यही मिला हाथ के सामने, तो मैंने ये पहन लिया। सो ठीक है गाइस, मैं जाके कुछ इंटरेस्टिंग कुछ होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एंड मैंने आज एक हेयर स्टाइल भी किया है, यू कैन सी। सो इतना गर्मी है, मैं मेकअप करते करते गर्मी में मतलब एसी चलाई थी, अभी एसी बंद किया हूँ, जब ही मैंने बंद किया बस मेरी पसीना ही पसीना हो गया फेस पे। सो आई डोंट नो, आई गेस मेरी मेकअप मेल्ट नहीं होगी। सो ठीक है गाइस, आई होप आप लोग भी बहुत ही इन्जॉय करेंगे आज के दिन, एंड पूरे दिन भी इन्जॉय करते हैं लोग, तो आज मैं पूरे दिन बहुत ही बिजी थी, एंड इस टाइम पहले की तरह नहीं होती है सब टाइम, तो एवरी ईयर कुछ सेम नहीं जाती है। सो इस साल मैं मेरी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड की तबीयत उतना अच्छा नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं उसके साथ नहीं जा पाई। सो ठीक है, चलो तो सो फॉर नाउ बाय। सो टुडे इज 23rd अप्रैल, सो आई एम स्टार्टिंग अ साड़ी बिजनेस, पार्टी वेयर साड़ी एंड लहंगास एंड एट ऑल। एंड ये मैं सोची थी बहुत दिन पहले, लेकिन आप लोग अनाउंसमेंट नहीं किए थी। इफ़ यू वाज इंटरेस्टेड टू बाय पार्टी वेयर साड़ी और लहंगास एंड ब्राइडल साड़ी एंड ऑल, सो लाइक पार्टी वेयर मीन्स मेरे पास लाइक जॉर्जेट, सिफन जॉर्जेट एंड लाइक विथ स्टोन एंड जेरी एंड दिस ऑल चीज़ें एक साथ होके जो डिज़ाइन होती है वो साड़ी, एंड उसका क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। एंड इस समर टाइम पे तो कोई भी ज़्यादा
भारी साड़ी नहीं पहन सकते, सो दैट्स वाई मैं उस टाइप की साड़ी में सेल करना चाहती हूँ, तो जो काफ़ी लोग चाहते लाइक कंफर्टेबल भी है लेकिन पार्टी वेयर भी है सेम टाइम एंड गॉर्जियस भी है, सो दैट्स वाई। सो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी उसके बाद, तो आई गेस यू विल लाइक द साड़ीज, यू विल लाइक द ऑल माई साड़ीज बिकॉज आई लव देम ऑल। सो ओके गाइस, सो फॉर नाउ बाय। हाय एवरीवन, सो टुडे इज 25 अप्रैल एंड आज मेरी बहुत ही बैड लक है क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले, आप लोग देख पा रहे हो कि मैं एक मेकअप लुक क्रिएट किया हूँ, तो ये मेकअप लुक मैं एक लाइव पे क्रिएट की थी मेरी फेसबुक लाइव पे, बट मेरी बैड लक आज की नेटवर्क पता नहीं क्या हुआ उसके लिए, तो हेजी हो गई थी वीडियो, बहुत ही हेजी, तो कोई भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि बाद में लाइव करूँ कि नहीं, क्योंकि मैं मिडिल पे थी मेकअप की, तो दैट्स वाई। सो अगर आप में से कोई मेरी लाइव देख रहे होंगे, अगर आप में से कोई उस लाइव को देखे होंगे, सो आई एम रियली सॉरी फॉर माई हेजी हेजी क्वालिटी। सो यू कैन सी, सो यू कैन सी दिस इज माई मेकअप, दिस इज माई आई मेकअप, इट्स क्वाइट ईजी एंड क्विक एंड आई एम वेयरिंग हुडा ब्यूटी आईकॉन शेड, हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट आईकॉन शेड एंड द अदर वन इज माई ऑल टाइम फेवरेट द मेबलिन क्ले कर्श कर्श क्ले क्रश सॉरी। सो गाइज, आई सी यू अनदर टाइम, बाय। हाय गाइस, सो टुडे आई एम रेडी फॉर एवेंजर द एंड गेम एंड मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी इसको देखने के लिए, क्योंकि आज है 28 मई एंड माई बैड लक वाज, मैं कोशिश कर रही थी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली थी, सब हाउसफुल थी, सो दैट्स वाई मैं आज आ रही हूँ फाइनली। एंड मुझे कभी फ्रेंड्स ने स्पॉइल भी करने की कोशिश की है, सो फॉर यू यू कैन स्पॉयल माई मूवी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया उतना ज़्यादा नहीं खोली थी 2 दिनों पे। सो गाइज, आई एम रेडी विथ माई ब्यूटिफुल लाइम ग्रीन कुर्ती एंड विथ माई ब्यूटिफुल नेकलेस एंड माई एज यूजल ब्राउन आईज विच आई लव सो मच। यू कैन सी द इयर रिंग्स स्मॉल बिकॉज इसका लॉकेट बहुत बड़ी है, इसलिए हेयर पे अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, सो मुझे बहुत देर हो रही है, सो आई हैव टू गो, सो फॉर नाउ बाय। So I'm just back home with my mess with Lucky. So guys, I'm super tired right now and I'm so sad guys because Lucky stop. Don't do this. Look at him. What he's doing. He's so happy. Look at his leg. It's so funny. Cutie, cutie, cutie. So the bad news for me is the Iron Man is died. So I'm so sad and मैं बहुत, मैं 2 टाइम पे मतलब रोई थी सिनेमा पे, मैं 2 टाइम पे मैं मतलब रोई थी मैं लाइक जब सब सारे एवेंजर्स आके एक्शन हो रहा था एंड उसके उस टाइम पे कुछ हैप्पी की खुशी जो होता है ना, खुशी के आंसू, तो वो हुई थी, मतलब सब एवेंजर्स मिलके कुछ अब अच्छी अच्छी कुछ होगा ज़रूर, तो इसको थॉट करके मैं रो रही थी। सो द नेक्स्ट वन जो द लास्ट वन इस मैं रो रही थी कि जब आयरन मैन गॉन, सो आई एम सो सैड गाइज फॉर दैट। ओके गाइज, आई एम सो सैड एंड मैं 3D ग्लास पहनी थी, तो दैट से दोनों आईज के साइड स्पॉट भी हो गई है, सो एंड बहुत इतना गर्मी है लाइक आई वॉज लाइक बॉइलिंग लाइक दैट। सो गाइज, आई चेंज दिस ऑल एंड सो फॉर नाउ
बाय। हाय गाइस, सो टुडे इज 29th अप्रैल एंड आई एम सो एक्साइटेड गाइस, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर की थी नायका पे। बॉबी ब्राउन का एक ऑफर चल रहा था कि 3000 की परचेसिंग में आपको दो लिपस्टिक पा सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैं खुद को ये गिफ्ट कर दिया है इसके लिए। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत ही अच्छा डील थी। सो गाइज, दिस इज अ पैकेजिंग आज अभी डिलीवर हुई है मेरे घर पे। सो आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू दिस पैकेजिंग। एंड मुझे लगा था कि मैं इसको यूट्यूब पे भी दिखाऊंगी, बट जस्ट 4 प्रोडक्ट्स के लिए मैं उतना वीडियो पे नहीं दिखा, तो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। एंड दिस इज लाइक अ ब्लॉगिंग स्टाइल एंड ऑल। सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज माई ऑर्डर एंड मैं इसको अभी काटूंगी। नाउ लेट्स सी इसके अंदर कैसा पैकेजिंग है। एक हाथ से खोलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सो दिस इज द लग्जरी स्टोर प्रोडक्ट्स। सो लेट्स सी नाउ रीति स्टेडी का। I am so excited. I'm really sorry about that. Okay, what is it? Maybe it's a bill. So, इसके अंदर जो product है, okay. So, hey, good looking. Thank you. So, इसके अंदर क्या है? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ. My first product is the Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. इसका मैंने बहुत सारे रिव्यू देखी थी और इसका बड़ा साइज का प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। एंड मैं पहली बार इसको परचेस कर रही हूँ, दरअसल मैं छोटा ही पैकेजिंग खरीदी हूँ। बॉबी ब्राउन की लॉन्ग वेयर जेट आईलाइनर इसको मैं परचेस की हूँ। दिस इज अ ब्लैक इंक विच आई वॉन्टेड अ लॉन्ग लॉन्ग वे। इट्स अवार्ड विनिंग आईलाइनर, सो दैट्स वाई। एंड द मेन थिंग द सरप्राइज थिंग इसको, क्योंकि मुझे तो लिपस्टिक फ्री में मिला है। सो आई एम सो एक्साइटेड, सो टाइनी, इट्स सो ट्रैवल फ्रेंडली गाइस, दैट्स वाई मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही मिनी प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है, उसको मैं बाहर भी ले जा सकती हूँ एंड अप्लाई भी कर सकती हूँ। सो ठीक है गाइस, इट्स अ मिनी प्रोडक्ट एंड आई गेस मुझे इसके बारे में रिव्यू देना चाहिए, मतलब यूट्यूब वीडियो पे। सो इसलिए मैं अभी खोलूँगी नहीं, इसको मैं अप्लाई करके फिर उसके बाद मैं इसको खोलूँगी।